दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। और आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं ना, वो घोड़े पर चढ़कर आती थी, घोड़े से कूदती थी, चलती ट्रेन पर चढ़ जाती थी, उसकी छत पर जाती थी, गुंडों से मुकाबला करती थी, हंटर से उनकी पिटाई करती थी और अपने कर्तव्य दिखाती थी जब लोग तालियां बजाते थे। जी हाँ, उस टाइम पे वो कर्तव्य, वो हौसले, उनके इरादे बड़े बुलंद थे। वैसे तो वो इंडियन नहीं थी, लेकिन इंडिया उनके दिल में बस गया था। वो भारतीय नहीं थी, वो विदेशी मूल की थी, मैरी इवांस। लेकिन बाद में इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम नाडिया रखा और नाडिया के नाम से उन्होंने अपना करियर बनाया। हम उन्हें सलाम करते हैं क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री की पहली स्टंट क्वीन कही जाती थी। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा आपको। आप हैं मेरे साथ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम OSM चैनल है, जहां पर बॉलीवुड ही बॉलीवुड की बहुत सारी बातें होती हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बस मैं अभी लौट के आता हूं। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में कुछ हिंदी फिल्में बनी हैं, जैसे मदर इंडिया है, हमराज है, अंदाज है। इसमें जो लेडी है उसकी महानता को दिखाया गया है। लेकिन कुछ भी कहो आप, लेडी को अपने आप को महान दिखाने के लिए फिल्मों में देवी का रूप बन के दिखाना पड़ता था। मतलब उन्हें बहुत ही इस तरह के रोल दिए जाते थे जिसमें वो देवी नज़र आती थी। और वहीं पर एक लेडी आती है जो अपने स्टाइल से, फियरलेस स्टाइल से, हाथ में हंटर पकड़ती है और क्रिमिनल्स के साथ लड़ती है, उनको सज़ा देती है, स्टंट करती है। जी हाँ, मैरी इवांस, जिसको आगे चलकर आपने स्टंट क्वीन कहा, जिसको आगे चलकर फियरलेस नाडिया कहा। मैरी इवांस, जिन्होंने अपना नाम नाडिया रखा था, फियरलेस नाडिया के नाम से भी वो जानी जाती थी। मैरी इवांस, जिन्हें आप फियरलेस नाडिया के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1908 को। वो ऑस्ट्रेलिया पर्थ में पैदा हुई थी और उन दिनों जो ऑस्ट्रेलिया था वो ब्रिटिश उपनिवेश में था। और मैरी के पिता हॉबर्ट इवांस वैसे तो स्कॉटिश मूल के थे, लेकिन बतौर ब्रिटिश सैनिक ऑस्ट्रेलिया में ही वो तैनात थे। और उनकी माँ ग्रीक बैले डांसर थी जिनका नाम था मार्गरेट। अपने पिता के तबादले की वजह से 1913 में वो भारत आई थी। सबसे पहले उनके पिता हॉबर्ट की पोस्टिंग मुंबई में ही हुई, जहाँ से उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए यूरोप जाना पड़ा था और वहीं वो जर्मनों के हाथों मारे गए थे। मैरी की माँ उन्हें पेशावर ले गई उसके बाद, जहाँ उनके अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स रहते थे, रिश्तेदार थे। वहाँ के पख्तूनवा इलाके में रहते हुए उन्होंने घुड़सवारी सीखी, क्योंकि उस इलाके में सड़कें ये समझ लीजिए ना के बराबर होती थी। कभी कड़क थी, धूप ना देखी, कभी ना देखी पाओ। उन्होंने शिकार करना सीखा, उन्होंने बंदूक चलाना सीखा, उन्होंने मछली पकड़ना भी वहीं सीखा। अब मैं उसको अपने हाथों से मिट्टी में मिलाकर ही आराम लूंगी। दोस्तों मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैरी इवांस को 1926 में एक आर्मी ऑफिसर से प्यार हुआ। वो उनके कांटेक्ट में आई और उसके बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। और 1928 में वो मुंबई आ गई थी, तब उस वक्त उनका बेटा रॉबर्ट बॉबी जोन्स उनके साथ था। मुंबई में उन्होंने बैले नृत्य सीखा और रूसी बैले डांसर एस्ट्रोवा ट्रुप को ज्वाइन कर लिया था। और ये ट्रुप ब्रिटिश सैनिकों का मनोरंजन भी किया करता था। अच्छा, उसी दौरान उन्होंने जिम्नास्टिक के कुछ करतब भी सीखे। फिर जार्को सर्कस ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने सर्कस में काम किया। मैरी ने देश की यात्रा की और इस वजह से उन्हें यहाँ की भाषा और संस्कृति को समझने में सहूलियत हुई थी। और थोड़े टाइम के बाद एक आर्मेनियाई ज्योतिष थे, उनकी सलाह पर इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया था, मैरी इवांस से नाडिया रख लिया था। भूले से प्यार करते हैं उन्हीं के। देखिए, इसे आप किस्मत कह सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना नाम बदला ज्योतिष की सलाह पर, कुछ ही दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो नाडिया मूवी टोन के निर्देशक थे जिनका नाम था जमशेद वाडिया, उनकी नजर पड़ी नाडिया। उन्होंने नाडिया को देखते ही अपनी फिल्म ऑफर करी। 1935 में देश दीपक और नूरे यमन के लिए उन्होंने उन्हें कैमियो रोल ऑफर किया। नाडिया ने उन दोनों फिल्मों में काम किया और वो दोनों फिल्में सक्सेसफुल रहीं।
उसके बाद जमशेद वाडिया ने स्पेशली उनके लिए एक फिल्म लिखवाई, एक फिल्म की स्क्रिप्ट बनाई जिसका नाम था हंटर वाली। और उसके बाद वो फिल्म जब रिलीज़ हुई, लोगों ने उस फिल्म को बहुत पसंद की। लोगों ने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था कि एक लेडी फेयरलेस हाथ में हंटर लेके चलती है और पिटाई करती है गुंडों की, भागते हुए घोड़े से कूद जाती है, ट्रेन पर चढ़ती है, छत पर जाकर लड़ती है ट्रेन की, और उसके बाद स्टंट भी करती है। इसीलिए तो लोगों ने उनको नाम दिया था फेयरलेस नाडिया। उठो, अब तुम्हें मालूम होगा कि एक बेबस औरत के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ओ। 1935 में उन्होंने जिस घोड़े की सवारी की थी, उस घोड़े को एक नाम दिया गया था, सन ऑफ पंजाब का। दोस्तों 1936 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फ्रंटियर मेल। अच्छा, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी, जो हीरोइन होती है उनके जो फादर हैं वो दिखाए हैं रेलवे ऑफिसर, और उनको एक कत्ल के इल्ज़ाम में कुछ गुंडे फंसा देते हैं, और उन गुंडों को दिखाया है कि किस तरह से वो मारती हैं, पीटती हैं और इल्ज़ाम को झूठा साबित करवाती हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डायमंड क्वीन। अच्छा, डायमंड क्वीन में उन्होंने एक डायलॉग बोला था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। वो था, अगर हमें देश की आजादी चाहिए तो पहले देश की महिलाओं को आजाद करना होगा। खास बात यह थी कि यह फिल्म 1940 में रिलीज हुई थी जब देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी। उस वक्त एक गोरी लड़की के मुंह से देश की आजादी के बारे में ऐसा कुछ सुनना बहुत बड़ी बात थी। हिंद को आजाद होना है तो फिर हिंदी औरतों को भी आजादी देनी पड़ेगी, और अगर तुम जैसे नीच लोगों ने दखल दिया तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों फेयरलेस नाडिया ने 1930 से 50 के टाइम के बीच में बहुत सारी हिंदी फिल्में की। जैसे उनकी फिल्में थी कुछ डायमंड क्वीन, तूफान क्वीन, शेर दिल, हंटर वाली। इन फिल्मों में उनके स्टंट देखने वाले होते थे। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, आज तो क्या होता है कि कुछ स्टंट करने के लिए आर्टिस्ट कहता है कि भाई बॉडी डबल ले लीजिए। बॉडी डबल मतलब वो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट रखते हैं जो खतरनाक स्टंट होते हैं वो स्टंट मैन से करवाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करती थी, ये अपने स्टंट खुद करती थी, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कहो सरिता, क्या उसी दिन मैं सबक से फायदा उठा सकूंगा? नहीं, उस दिन नहीं। फिर कब? मेरा दिल धक 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 धक, मेरा दिल धक 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 धक। अगर मैं बात करूं जंगल प्रिंस, जंगल की बेटी के बारे में, तो इस फिल्म के अंदर उन्होंने शेरों के साथ एक्टिंग की है, इतनी घुल मिलकर एक्टिंग की है कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे देखने वालों के। अच्छा, टाइम के हिसाब से उन्होंने अपने आप को चेंज किया। जिस टाइम पे हंटर वाली बनना था, जिस टाइम पे घुड़सवारी करनी थी, उन्होंने वो सब किया। फिर जब ज़माना बदला, टाइम आया लग्जरी कारों का, तो कारों के ऊपर स्टंट करती हुई वो नज़र आती है। रोल्स रॉयस कार दिखाई है, उस पर वो स्टंट कर रही हैं। उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें वो जेम्स बॉन्ड बनी थी, और वहाँ उन्होंने लग्जरी कारों के साथ स्टंट किया है। नाडिया की फिल्मों में गाने तो होते थे, लेकिन उन पर फिल्माए गए गाने इक्का या दुक्का ही हैं, क्योंकि दर्शक भी नाडिया को नाचते गाते नहीं देखना चाहते थे, बल्कि मारपीट या करतब देखना ही उन्हें पसंद करते थे। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फेयरलेस नाडिया रंग रूप से ही नहीं, दिल की भी बहुत अच्छी थी। यही एक रीज़न था कि उन्होंने कभी भी वाडिया ब्रदर्स को नहीं छोड़ा। जमशेद के बेटे होमी वाडिया से उनके प्यार के चर्चे अब से नहीं 1930 से फेमस थे, और जब उनकी माँ को ये बात पता चली थी, मैं बात कर रहा हूँ वाडिया फैमिलीज़ की, जब उन्हें ये बात पता चली थी तो उनकी जो मदर थी वो बहुत ही रूढ़ीवादी और बहुत कट्टर थी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरे जीते जी मैं किसी और गैर पारसी लड़की से होमी को शादी नहीं करने दूंगी।
यही रीज़न था कि 1961 में जब उनकी मौत हुई उसके बाद ही होमी वाडिया ने फेयरलेस नाडिया से शादी की। हम तुमसे पूछते हैं सच सच हमें बताना, क्या तुमको आ गया है दिल में जानी जहां प्यारा है, ये मौसम तो देख मेरी क्या प्यारा है। होमी वाडिया ने आगे चल के 1968 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था खिलाड़ी। X1 वो कौन है सर? एक वतन प्रस्त शानदार पायलट, लाजवाब रिकॉर्ड, डेफिनेट शॉट, जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। X1 उसमें उन्होंने नाडिया को लिया था और तब नाडिया की उम्र ज्यादा थी, हालांकि उन्हें लेडी जेम्स बॉन्ड दिखाया गया था, लेकिन लोगों को ये फिल्म मतलब पची नहीं, वो ये नहीं पचा पाए कि 60 साल की एक लेडी जो है उसको हम एज अ हीरोइन एक्सेप्ट करें। वो वैसे भी जो समीक्षक बताते हैं वो अपने टाइम से थोड़ा आगे की फिल्म थी, 10-15 साल आगे की फिल्म थी। आगे चलकर फिल्मों में काम करना तो बंद कर दिया था, ये दोनों अपने जूहू में जो घर था उसमें रहते थे, अपनी पार्टीज़ के लिए फेमस थे, बहुत पार्टी करते थे, मतलब कहते हैं कि कोई भी फेस्टिवल हो वो उनके घर पे मनाया जाता था, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था और मज़े से ज़िंदगी काट रहे थे। दोस्तों नाडिया एक ऐसी हीरोइन रही जिनकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग पहचान मिली, कुछ बदलाव आया, हमारी फिल्में मध्य एशिया में भी गई बाद में, देश ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम हुआ। Yes, at first I was on top of the roof and Sayani was fighting with me. Then Homi said to me, carry him. I said, I've never carried a man before. I'll try anything once. So I took him, carried him on my back and that was my first experience of carrying a man. जर्मन लेखिका डोरोथी वेर्नर ने उन पर सन 2005 में जर्मन भाषा में एक किताब भी लिखी थी जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ। किताब का नाम था फेयरलेस नाडिया, द ट्रू स्टोरी ऑफ बॉलीवुड ओरिजिनल स्टंट क्वीन। इसके पहले सन 1993 में जमशेद वाडिया के पोते रियाद विंसी वाडिया ने उन पर फेयरलेस द हंटर वाली स्टोरी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। बट नाडिया स्टोरी बिगिंस फार अवे फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट व्हेन इन 1910 शी वाज बोर्न एंड बैप्टाइज्ड मैरी एवंस। आई वाज बोर्न इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, जो दुनिया के लगभग सभी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। रियाद के भाई रॉय वाडिया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स के अधिकारी भी रहे हैं और अपनी दादी नाडिया पर आलेख भी वो लिखते रहते हैं। उन्होंने नाडिया को एक महान नारीवादी और क्रांतिकारी महिला बताया है। दोस्तों आप शौमिक डावर को तो जानते होंगे, कितने बड़े कोरियोग्राफर हैं वो और उनके ट्रुप में बड़े बड़े सेलिब्रिटी शान समझते हैं वहाँ पर डांस करना, उनसे सीखना। उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छा काम करते हैं शौमिक डावर। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि शौमिक डावर नाडिया फैमिली से ही रिलेटेड है। That was a motto that she tried anything once, jumping off onto trains, onto things, acting in films, dancing. She'll try and she was fearless. She was really fearless in real life. दोस्तों नाडिया जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो फेयरलेस लेडी थी, उन्होंने जो स्टंट, जो आज़ाद ख्याल जिस तरह से पर्दे पर अपने आप को दर्शाया है, दिखाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी था ऐसा होना। उसके बाद ही तो कोई ना कोई चेंज करता है, शुरुआत करता है, तभी कुछ आगे चलकर चीज़ें बदलती हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, विशाल भारद्वाज ने एक फिल्म बनाई थी रंगून, अगर आपने वो फिल्म देखी है, नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसके अंदर जो कंगना रनौत को उन्होंने वेशभूषा दी है, जिस जो उनका स्टाइल, जिस तरह से उन्होंने फिल्म में उनको दिखाया है, दर्शाया है, अपेरेंस है उनकी, वो यहीं से प्रभावित है। दोस्तों 9 जनवरी 1986 को अपने 88वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद वो हमें छोड़कर चली गई। मुझे उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। बॉलीवुड ही बॉलीवुड में और भी बहुत जानकारियां हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा मेरा ये खूबसूरत प्रोग्राम
बॉलीवुड ही बॉलीवुड। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, राम राम, सत श्री अकाल, टेक केयर।